हाय। सो आज का जो चैप्टर है इट इज फ्रॉम स्टैंडर्ड 7 और इसका नाम है गार्डन स्नेक। ठीक है, तो सबसे पहले कि जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो ये चैप्टर का जो पढ़ने का हमारा मोटो है ये कुछ इस तरह का है। बचपन में हमने सांप को देखा होगा और कभी ना कभी तो डरा ही होगा, तो क्या हमें सांप से डरना चाहिए या फिर नहीं डरना चाहिए, उसके साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, तो कुछ इसी टॉपिक के ऊपर ये चैप्टर आधारित है। तो शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट। आई सॉ ए स्नेक एंड रन अवे एंड रैन अवे। सम स्नेक्स आर डेंजरस दे। कि मैंने एक सांप को देखा, डर गया और डर के भाग गया। ठीक है, सम स्नेक्स आर डेंजरस दे। और मैंने पूछा कि ये सांप क्या जहरीले होते हैं, तो मुझे जवाब में मिला हाँ कुछ सांप जहरीले होते हैं। बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड। बट मुझे माँ ने कहा कि हाँ बेटा कुछ तो जहरीले होते हैं, मगर कुछ सांप ऐसे होते हैं जो जहरीला नहीं होता, और अभी अभी तुमने जिस सांप को देखा वो जहरीला नहीं था। एंड ईट्स ऑफ इंसेक्ट फॉरेज फूड। तो कुछ सांप क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, क्योंकि उनको तो फूड चाहिए होता ना। तो कुछ सांप क्या करते हैं, अपने फूड मानते हुए कुछ इंसेक्ट को आज फूड वो खाते हैं। सो व्हेन ही विगल्स इन द ग्रास, विगल का मतलब होता है कि जो ग्रास में जो घास होता है, जो घास में इधर उधर घूमना। तो कुछ सांप क्या करते हैं, वो घास के मैदानों में घास के अंदर इधर उधर घूमते हैं। ठीक है, आई विल स्टैंड असाइड एंड वॉचिंग पास। तो जब सांप घास के मैदानों में इधर उधर होके पास गुजरता है तो मैं चुपचाप खड़े होके बस देखता हूँ वो कैसे पास करता है। एंड टेल माई सेल्फ, और मैं खुद को बोलता हूँ देयर इज नो मिस्टेक, ये तो जहरीला सांप नहीं है, तो मैं देखूंगा मुझे कोई परेशान नहीं है। इट्स जस्ट ए हार्मलेस गार्डन स्नेक, ये कोई जहरीला सांप नहीं होता, तो मैं देखूंगा मुझे उसे देखना है, अगर जहरीला होता तो मैं फिर से भाग जाता, जैसे कि ये जहरीला नहीं है तो मुझे बस देखना है और एंजॉय करना। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई सुझाव या फिर कमेंट है तो नीचे लिखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।